केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम ने कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि वे प्रदेश में पार्टी की मजबूती के लिए एकजुट होकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि ये समय देश में कांग्रेस को मजबूती देने का है, इसलिए प्रदेश में होने जा रहे दो उपचुनाव में जीत हासिल कर हमें कांग्रेस की मजबूती के लिए अपना पहला कदम यहीं से बढ़ाना होगा। सुखराम ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र से उनके पौत्र आश्रय शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने जो मान सम्मान दिया है उसके लिए वे कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आनंद शर्मा के बाद जो है समेत प्रदेश के पूर्व चुनाव होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में किस तरह से है मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों के साथ साथ प्रदेश के लोगों ने जो प्यार सम्मान उन्हें दिया है उसका ऋण वे कभी नहीं चुका सकते। सुखराम ने बताया कि वे चंडीगढ़ पीजीआई में उनके वीरभद्र सिंह के स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए स्वयं पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि वे जल्द स्वास्थ्य लाभ लेकर हिमाचल लौटेंगे। और कांग्रेसियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, बढ़ेगा, और मुझको पूरी उम्मीद है कि जो समस्याएँ आज देश के सामने हैं वो समस्याएँ कांग्रेस हल करेगी। आपका बहुत सारा जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। पंडित जी क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनावों के बाद जो है अब प्रदेश में दो उपचुनाव होने जा रहे हैं, कांग्रेस की यदि बात की जाए किस तरह से जो है क्षति जो हुई है उसे दोनों सीटें जीतकर पूरा करेगी, किस तरह का आशीर्वाद आप जो है प्रत्याशियों को देना चाहते हैं, क्या कहेंगे? मैं तो आशीर्वाद तो दे सकता हूँ, मगर अब मैं 94 साल में लगा हुआ हूँ तो मैं अब दौड़ भाग करना शायद मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मगर मैं चाहता हूँ कि भाई कांग्रेस जन जो है अपना मन मुटाव भूल करके जो है ऐसे प्रत्याशियों का समर्थन करेगी जो वो कामयाब हो सकते हैं, यही मेरी कामना है। कल आप पीजीआई जा रहे हैं जी, राजा वीरभद्र सिंह जी की तबीयत खराब है, वो पीजीआई में एडमिट हैं, आप उनसे मिलने जा रहे हैं, हाल कुशल जानने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वीरभद्र सिंह जी उम्र में तो मेरे से बहुत छोटे हैं मगर योग्यता में बहुत बड़े हैं, और मैं ये चाहता ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि भाई उनको स्वास्थ्य लाभ जल्दी मिले ताकि कांग्रेस जनों का मनोबल और ऊंचा हो जाए, यही मेरी कामना है। सर कहीं ना कहीं अनिल शर्मा जी के साथ जो है बीजेपी अनदेखी कर रही है, हालांकि विधायक अभी भी उन्हें बनाया हुआ है, क्या जो मशवरा आप देना चाहेंगे अनिल शर्मा, क्या क्या लगता है आगे की राजनीति किस मोड़ जो है वो करवट लेगी? भाई देखो बात ऐसी है कि अब कुछ बीजेपी पार्टी के लोग जो है वो उनको निकालना चाहते थे मगर जयराम जी ने रोक लिया, अब वो क्या करेंगे मैं नहीं जानता और ना ही मैं इसके कुछ कुछ करने